ट्रीटमेंट हम तभी स्टार्ट करते हैं जब कोई होप दिखे, जब कोई उम्मीद दिखे। यू कांट सेव ईच एंड एवरी पेशेंट, आप कभी हर एक पेशेंट को बचा नहीं सकते, बट आप एटलीस्ट किसी को मरते हुए भी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अगर दे दो तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर किसी को जहाँ एक हफ्ते की लाइफ बताई और अगर आपने उसको 3 महीने जिया लिया और 3 महीने में भी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल गई, इवन दैट वुड बी अ बिग अचीवमेंट। बट प्रॉब्लम इज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट, जो भी ट्रीटमेंट चलता है या जो भी आप ट्रीटमेंट करते हो, उस ट्रीटमेंट में आपको ये जजमेंट करना जरूरी है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज एंड किस तरीके से दवाइयां काम करेंगी और किस तरीके से दवाइयों से इम्प्रूवमेंट आएगा। सो आप जब भी कीमो के पास जाते हो, आप जब भी डॉक्टर्स के पास जाते हो, तो डॉक्टर्स जब आपको कहते हैं कि आप कीमो करा लीजिए नहीं तो ये 6 महीने 6 महीने जिएंगे, और कीमो नहीं कराएंगे तो मुश्किल से शायद साल भर भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अगर कीमो करा लेंगे तो 2 साल निकाल लेंगे, दिस इज जस्ट अ मिथ। कोई डॉक्टर ना एक दिन बढ़ा सकता है, कोई डॉक्टर ना एक दिन कम कर सकता है, कोई भी नहीं। अगर मैं भी आज आपसे फेसबुक लाइव कर रहा हूं या मैं भी अगर आपसे 1-to-1 इंटरेक्ट कर रहा हूं, आई कैन नॉट इंक्रीज इवन अ सिंगल डे ऑफ लाइफ, आई कैन नॉट डिक्रीज इवन अ सिंगल डे ऑफ लाइफ, कोई भी नहीं कर सकता। और अगर डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, अगर आप कीमो करा लोगे या रेडिएशन करा लोगे तो आप उनको बचा लोगे या आप उनको 6 महीने का 2 साल की जिंदगी ले जाएंगे, नो, नहीं हो सकता। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू वर्क इज ओनली एंड ओनली क्वालिटी ऑफ लाइफ। नंबर वन, आप जब भी जाते हो तो आप, बिकॉज आपके दिमाग में केवल डर बैठा हुआ है, आप केवल फियर के हिसाब से बात कर रहे हो और केवल डर सोच रहा है, तो आप डर में वो सारे सवाल एक्सपेक्ट करते हो या ये वो सारे सवाल के जवाब एक्सपेक्ट करते हो जो ना आपके पास है, ना उस डॉक्टर के पास है, ना किसी के पास है। विच इज सबसे पहला सवाल जो डॉक्टर्स पूछते हैं, जो पेशेंट्स के अटेंडेंट्स पूछते हैं, उन डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब हम इनकी कितनी लाइफ उम्मीद कर सकते हैं? दैट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन। आप कैसे अपने फादर मदर बच्चे या हस्बैंड वाइफ के लिए आप ये पूछ सकते हो कि हम इनकी क्या लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या जब बच्चा पैदा होता है, क्या आप उस समय ये पूछते हो कि डॉक्टर साहब ये बच्चा पैदा हुआ है, हम इसकी लाइफ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो कैंसर डायग्नोज होने के बाद हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप इस डॉक्टर से पूछ रहे हो, उस डॉक्टर के पास वो सवाल का जवाब है कि डॉक्टर साहब हम इसकी क्या लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और आप मान भी लेते हो जब डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि इनकी लाइफ 6 महीने है, इनकी लाइफ 2 महीने है, इनकी लाइफ शायद साल भर है, आप मान लेते हो। और आप मानकर वो बैठकर आप वो साइकोलॉजिकली उसी ट्रॉमा में या उसी डर में ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हो। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि जब कैंसर पेशेंट, जब बच्चा पैदा होता है, तब आप डॉक्टर्स को नहीं पूछते डॉक्टर साहब ये कितने साल जिएगा, क्योंकि उस समय आपको भी नहीं पता होता और उस समय आपके डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता, ना किसी को भी पता होता है। एंड यू आर इन दैट जोन ऑफ हैप्पीनेस, यू आर इन दैट जोन ऑफ जॉयफुलनेस, तो आप केवल, तब आपको केवल पॉजिटिव इमोशंस आते हैं। बट जब कैंसर होता है किसी भी फैमिली मेंबर को, तो आपको केवल और केवल डर आपको घेर लेता है, और डर में आप केवल और केवल ये सवाल पूछते हो, डॉक्टर साहब ये कितने साल जिएंगे, कितने महीने जिएंगे, क्या हम इनको बचा सकते हैं या नहीं, रेदर देन आस्किंग डॉक्टर साहब क्या आपके ट्रीटमेंट से इनको क्या रिकवरी दिखेगी, क्या डॉक्टर साहब आपके इस ट्रीटमेंट से हम कितनी रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी, इनको अगर 10 परेशानियां हैं जैसे भूख कम लग रही है, एनर्जी लेवल्स कम हो रहे हैं, या कमजोरी बहुत हो रही है, या इनका वजन घट रहा है, क्या इसमें आपकी कीमो से कुछ असर होगा नहीं होगा, आप ये सवाल नहीं पूछते, आप केवल और केवल ये पूछते हो कि ये कितने साल जिएंगे, एंड दैट्स वेयर दैट प्रॉब्लम लाइज। फिर आप दूसरा सवाल पूछते हो, डॉक्टर साहब आपके इलाज की कोई गारंटी है कि क्या ये पेशेंट ठीक हो जाएगा, डॉक्टर साहब क्या ये आपके पेशेंट की गारंटी, मतलब आपके इलाज की गारंटी है कि क्या ये मरीज रिकवर हो जाएगा, ये दूसरा सवाल पूछते हो। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, क्या ऊपर वाले ने आपको किसी गारंटी के साथ भेजा है कि आप इतने साल जियोगे? मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, क्या घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है या बड़ा पैदा होता है, मतलब बच्चा पैदा होता है या फिर घर में कोई आपके बड़े बच्चे हैं, क्या आप उनको पूछते हो कि भाई आपकी गारंटी है कि आप इतने साल जियोगे? नो। तो क्यों आप जाकर डॉक्टर से ये पूछते हो कि डॉक्टर साहब कोई गारंटी है कि कितना ट्रीटमेंट चलेगा या क्या इलाज से ठीक हो जाएंगे? और इसी चीज के लिए डॉक्टर्स आपको
उसी विश्व सर्कल में, जैसे आपको कहते हैं आपको कुएं का मेढक बन जाते हो, रेदर आई वुड से, बुरा मत मानिएगा, आई विल बी वेरी कैंडिड इन दिस, बट ये सच्चाई है और सच थोड़ा सा कड़वा होता है, आपको बुरा जरूर लगेगा बट सच कड़वा होता है। लोग कुएं के मेढक होते हैं, बट जब कैंसर होता है ना परिवार में किसी को, तो आप लोग एक मग, जो ग्लास है या मग है, मग के मेढक बन जाते हो और आपकी सोच उसी के अंदर सीमित हो जाती है, उसी के अंदर सीमित हो जाती है। मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं अगर आपको बुरा लग रहा है, बट सच कड़वा होता है और ये फैक्ट है। और इसी चीज के लिए डॉक्टर्स आपको केवल और केवल, आई वुड नॉट से डॉक्टर्स, आई वुड से रादर हॉस्पिटल्स, आपको केवल और केवल वो ही जवाब देते हैं जो आप सुनना चाहते हो। हाँ डॉक्टर साहब पहले सवाल का जवाब, क्या इनकी कितनी लाइफ है? डॉक्टर्स कहते हैं अच्छा मुझे अपने लाइफ पूछी, वेरी गुड, मैं आपको बताता हूँ इनकी लाइफ, अगर आप कीमो कराओगे तो इनकी लाइफ 2 साल है, और अगर आप कीमो नहीं कराओगे तो इनकी लाइफ 6 महीने। आप कहते हो चलो मुझे एक सवाल का जवाब मिला, आपके डर ने ये सवाल पूछा है, आपने सवाल नहीं पूछा, बिकॉज प्रैक्टिकली अगर आपका, आप क्योंकि मक्खी मेढक हो चुके हो और आपको केवल वही सुझ रहा है जहां पर आपकी थिंकिंग लिमिटेड होगी, और केवल वो सोच रहा है या वो सच्चाई दिख रही है, विच इज नॉट अ फैक्ट, विच इज अ डिल्यूजन, और आप यू आर जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस विच आर कंप्लीटली इररिलेवेंट फ्रॉम योर डॉक्टर्स, एंड द डॉक्टर्स आर एग्जैक्टली आंसरिंग यू इररिलेवेंटली, और केवल आपको वो चीज बताई जा रही है विच इज कंप्लीटली इररिलेवेंट इन अ कैंसर पेशेंट। विद कैंसर, विद कीमो इट इज 2 years, विदाउट कीमो इट इज 6 months, it is all fake, it never happens that way, kabhi bhi aisa nahi hota. Second sawal jab aap poochte ho, jo aapka dar aapse suchwata hai aur dar aapse puchwata hai, wo ye ki doctor sahab puri guarantee hai ki ye theek ho jayenge, aur doctors aapko keh dete hain bilkul puri guarantee hai, pakki guarantee hai, at least hum inki 70% bimari ya 80% bimari kam kar denge, aur aap उसी गारंटी में या उसी माइंडसेट में, क्योंकि आपकी थिंकिंग लिमिटेड हो चुकी है, इसको एक कहते हैं लिमिटेड माइंडसेट मेंटालिटी, LMM। मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं मैं उनको हमेशा ये बोलता हूं, और आज इस माध्यम के जरिए मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि कैंसर हो जाने पर हर आदमी की सोच एक मक के मेडिक जैसी हो जाती है, जहां पर वो केवल और केवल लिमिटेड थिंकिंग, लिमिटेड माइंडसेट मेंटालिटी के साथ सोचता है, और केवल उसको ये कहा जाता है कि भाई अब तुम्हारी लाइफ इतनी है और गारंटी है 70% तो हम बीमारी कम कर देंगे, और ये कीमो जरूर असर करेगी या ये ऑपरेशन जरूर असर करेगा, और इसी बेसिस पे वो एक विशियस सर्कल में घूमता रहता है, और वही घूमते घूमते वो ही कैंसर ट्रीटमेंट का इलाज कराता रहता है, टिल द टाइम जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं, टिल द टाइम जब उसकी मरीज टूट चुका होता है, आधा रह जाता है और उसकी कंडीशन खराब हो जाती है, टिल द टाइम जब मरीज को बोल दिया जाता है कि अब हमने सारे कीमोस ट्राई कर लिए, अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, अब आप इसको घर ले जाओ, सेवा करो। और ये जब 3 चीजों में से कोई भी एक चीज कही जाती है, पहला जब तक कीमो करते करते आपके पैसे ना खत्म हो जाएं, दूसरा इलाज करते करते जब आप मरीज की कंडीशन डिटरेट कर दी, 72 किलो का 36 किलो वजन कर दिया, लाइफ डिटरेट हो गई, ऑलमोस्ट कंडीशन नहीं रही कि वो कोई भी और टॉक्सिसिटी इलाज झेल पाए, या तीसरा जब डॉक्टर्स ने बोल दिया कि अब आप इन्हें घर ले जाओ, सेवा करो, कुछ नहीं हो सकता, और ये 3 चीजें हो जाने पर तब आपको दूसरे इलाज याद आते हैं। सच्चाई बता रहा हूं, कड़वी लग सकती है, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, बट प्लीज दिस इज अ फैक्ट विच इज रिक्वायर्ड। मैं आपका हमदर्द हूं, मैं आपका दोस्त हूं जो आपको केवल आईना दिखाना चाह रहा हूं, और केवल आईना दिखाना चाह रहा हूं इसी चीज में, क्योंकि जब मुझे बहुत दुख होता है जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, दे कम इन दैट लास्ट स्टेजेस, 1 महीने की लाइफ है, 1 हफ्ते की लाइफ है, 2 दिन की लाइफ बताइए डॉक्टर्स ने, और फिर वो आकर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा मिरेकल हो जाएगा, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको तब दूसरे इलाजों की याद आती है जब आप पूरा एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हो, और ये 3 चीजें कर चुके होते हैं, एंड देन यू रियलाइज दैट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ, ग्रेटली सेड बाय अ व्यूअर आउट हियर, दैट यस क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्वालिटी ऑफ लाइफ इज एवरीथिंग।